मेरे प्यारे देशवासियों, भारत संतों की भूमि है। हमारे संतों ने अपने विचारों और कार्यों के माध्यम से सद्भाव, समानता और सामाजिक सशक्तिकरण का संदेश दिया है। ऐसे ही एक संत थे संत रविदास। 19 फरवरी को रविदास जयंती है। संत रविदास जी के दोहे बहुत प्रसिद्ध है। संत रविदास जी कुछ ही पंक्तियों के माध्यम से बड़ा संदेश देते थे। उन्होंने कहा था, जाति जाति में जाति है, जो केतन के पात रैदास मनुष ना जुड़ सके जब तक जाति न जात। जिस प्रकार केले के तने को छीला जाए तो पत्ते के नीचे पत्ता, फिर पत्ते के नीचे पत्ता और अंत में कुछ ही नहीं निकलता है, लेकिन पूरा पेड़ ही खत्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार इंसान को भी जातियों में बांट दिया गया है और इंसान रहा ही नहीं है। वे कहा करते थे कि अगर वास्तव में भगवान हर इंसान में होते हैं तो उन्हें जाति, पंथ और अन्य सामाजिक आधारों पर बांटना उचित नहीं है। गुरु रविदास जी का जन्म वाराणसी की पवित्र भूमि पर हुआ था। संत रविदास जी ने अपने संदेशों के माध्यम से अपने पूरे जीवन काल में श्रम और श्रमिक की अहमियत को समझाने का प्रयास किया। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि उन्होंने दुनिया को श्रम की प्रतिष्ठा का वास्तविक अर्थ समझाया है। वो कहते थे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थात यदि आपका मन और हृदय पवित्र है तो साक्षात ईश्वर आपके हृदय में निवास करते हैं। संत रविदास जी के संदेशों ने हर तबके, हर वर्ग के लोगों को प्रभावित किया है। चाहे चित्तौड़ के महाराजा और रानी हो या फिर मीराबाई हो, सभी उनके अनुयायी थे। मैं फिर एक बार संत रविदास जी को नमन करता हूँ।